YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने एक और लिस्ट जारी कर दिया है। इस लिस्ट में 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा और सीनियर नेता शिवपाल सिंह यादव को बदायूं से लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बना दिया है। अब तक पार्टी ने 32 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तो वहीं अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से भी अपने उम्मीदवार का नाम ऐलान कर दिया है। वाराणसी ने समाजवादी पार्टी से सुरेंद्र सिंह पटेल को उम्मीदवार बना दिया है। अब समझते हैं कि भाई वो कौन है, उनके बारे में पूरी जानकारी तो बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि सपा ने मंगलवार को 5 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। कुल मिलाकर अब तक सपा जो है वो 32 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतार चुकी है। वहीं अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव, जिनकी चर्चा बदायूं से लड़ने की थी, उन्हें आजमगढ़ या कन्नौज का लोकसभा प्रभारी बनाया गया है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने जनवरी में 16 उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी की थी। वहीं 19 फरवरी को पार्टी ने 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। पहली लिस्ट में सपा ने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को पूरी से चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान किया था। तो वहीं तीसरी लिस्ट में चाचा शिवपाल यादव को बदायूं से लड़ाने की पूरी तैयारी है। अब जानते हैं कि आखिरकार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो कौन सा समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट होगा जो चुनाव लड़ेगा। बता दें कि 4 दशक से अधिक समय से राजनीति में सक्रिय सुरेंद्र सिंह पटेल वाराणसी के राजा तालाब रोहनिया विधानसभा के रहने वाले हैं। सुरेंद्र सिंह पटेल 2 बार समाजवादी पार्टी के सरकार में मंत्री रह चुके हैं, जबकि 1 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार में भी स्वतंत्र प्रभार के मंत्री रह चुके हैं। सुरेंद्र सिंह पटेल को पहले वाराणसी के लोकसभा सीट से सपा ने प्रभारी को नियुक्त कर दिया था, अब उन्हें प्रत्याशी भी बना दिया है। गौरतलब है कि 2019 लोकसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी को तकरीबन 2 लाख वोट मिले थे और 18.47% के साथ दूसरे नंबर पर प्रत्याशी रहा था। अब देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी के सुरेंद्र सिंह पटेल एक दिग्गज नेता, उत्तर प्रदेश सरकार में कई दफा मंत्री रह चुके हैं, तो भारत के सबसे पसंदीदा प्रधानमंत्री के तौर पर जाने जाने वाले नरेंद्र मोदी को वो कितना टक्कर दे पाते हैं, ये बेहद देखना दिलचस्प होने वाला है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या टक्कर दे पाएंगे पीएम मोदी को, कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।